ममता के सांसद को मोदी से पंगा पड़ गया भारी। पहले मोदी को दिया धोखा, अब हो रहा पछतावा। बीजेपी में आने के लिए छटपटा रहे ममता के सांसद। बीजेपी में होगी घर वापसी या दुत्कारे जाएंगे सांसद जी। जिस बंगाल में बीजेपी ने साल 2014 की प्रचंड मोदी लहर के बावजूद सिर्फ 2 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, उसी बंगाल में 5 साल बाद जब लोकसभा चुनाव हुआ तो यही बीजेपी 2 सीटों से सीधे 18 सीटों पर पहुंच गई थी। यानी बंगाल से कुल 18 सांसद जीत कर दिल्ली पहुंचे, जिनमें एक नाम अर्जुन सिंह का भी था, जिन्होंने बैरकपुर लोकसभा सीट पर ममता के उम्मीदवार को हराकर जीत दर्ज की थी। लेकिन साल 2022 आते आते ऐसी पलटी मारी कि मोदी का साथ छोड़कर ममता बनर्जी की पार्टी में चले गए। लेकिन अब लगता है ममता बनर्जी ने भी उन्हें टीएमसी से खदेड़ दिया है और अब वो एक बार फिर बीजेपी में घर वापसी के लिए छटपटा रहे हैं। दरअसल साल 2019 में जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की सभी 42 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 18 सीटों पर बीजेपी को बंपर जीत मिली थी, जिनमें एक लोकसभा सीट बैरकपुर भी थी, जहां से अर्जुन सिंह ने 4,72,000 से भी ज्यादा वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी। ये वही अर्जुन सिंह है जो चुनाव से ठीक पहले टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और यहां आते ही मोदी शाह ने उन्हें बैरकपुर सीट से टिकट थमा दिया था, जहां से उन्होंने जीत भी हासिल की। लेकिन साल 2022 में उन्होंने मोदी शाह को धोखा दे दिया और एक बार फिर से ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में चले गए। अर्जुन सिंह के बीजेपी छोड़ने की वजह झूठ की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार से हुआ टकराव बताया जाता है, क्योंकि साल 2022 में तत्कालीन बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने सीएम ममता की मांग का समर्थन करते हुए मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला था और कहा था, लोग मुद्दों पर वोट करते हैं, मुझे या मेरी पार्टी के लिए नहीं। मैं एक जूट मिल में पैदा हुआ था, मैंने एक जूट मिल में काम किया था, इन लोगों ने मुझ पर भरोसा किया है और सालों से मुझे वोट दिया है। राज्य में 14 जूट मिलें बंद हो चुकी हैं। ये सब मैं कैसे बैठकर देख सकता हूँ। इस कठोर फैसले से करीब 3 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। अगर जरूरत पड़ी तो मैं धरना प्रदर्शन करूंगा। इस मुद्दे पर सीएम बनर्जी ने जो कहा है, मैं उसका पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो इस पर अधिक आक्रामक होंगे। जरूरत पड़ी तो मैं भी उनसे बात करूंगा। साल 2022 में इसी विवाद की वजह से अर्जुन सिंह बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गए और ममता ने भी उनकी घर वापसी को स्वीकार कर लिया। लेकिन साल 2024 का लोकसभा चुनाव आते आते सीएम ममता बनर्जी ने सांसद अर्जुन सिंह को उनकी औकात बता दी और जिस बैरकपुर से फिलहाल वो सांसद है उस सीट से अर्जुन सिंह का टिकट ही काट दिया। यहां से ममता बनर्जी ने पार्थ भौमिक को टिकट देकर मैदान में उतार दिया है। यही वजह है कि अर्जुन सिंह एक बार फिर बीजेपी में आने के लिए छटपटा रहे हैं और लगातार बीजेपी के समर्थन में बयानबाजी कर रहे हैं। भाई मैं तो भगवान नहीं हूँ, मैं कोई भविष्यवक्ता भी नहीं। क्या होने वाला है, क्या होने वाला है वो सामने देखिएगा। आज जो हो रहा है आप देख ही रहे हैं। इस बार लड़ाई भी आप रहेंगे बैरकपुर से, आप लड़ेंगे। इसका भी कोई ठीक नहीं है कि मैं लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा, उसका समय आपको बताएगा कि मैं लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा। अभी जो खबर मिल रहा था, जो टीएमसी ने आपको एमएलए सीट के खड़ा होकर मंत्री होने का वार्ता दिया था, आप उसमें क्या कहेंगे? आप एक बात बताइए, अगर आप हवाई जहाज में चल रहे हैं और आपको बोला जाए कि नकली हवाई जहाज पर आप चढ़ जाइए, तो आप चढ़ेंगे क्या? नहीं चढ़ेंगे। ये जो घटना आपके साथ हुआ, इसे कैसे निंदा करेंगे? इसका निंदा करने का नहीं है, बड़े लोग होते हैं जो बड़े पार्टी की राजनीति को चलाते हैं, वो उनकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि मैं उस योग्य हूँ या नहीं हूँ, उनका जस्टिफिकेशन है। आप लोग तो 2019 में लड़के दिखा दिया था, जो आप नहीं, हो सकता है यही मेरी गलती हो कि मैंने दिखा दिया था, ये भी तो हो सकता है। आपके ऑफिस में अभी ममता अभिषेक का छवि नहीं दिख रहा है? नहीं, मेरे यहाँ तो ऐसा कभी छवि था भी नहीं यहाँ, ये तो सब पूरा भगवान चारों तरफ लोकल। बात यहीं खत्म नहीं होती है। मोदी सरकार के जिस सीए कानून के खिलाफ जबरदस्त विरोध करते हुए ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन इसे अपने राज्य में लागू नहीं होने दूंगी, उस सीए कानून का भी टीएमसी सांसद अर्जुन सिंह खुलकर समर्थन कर रहे हैं। बैरकपुर में या पश्चिम बंगाल में बीजेपी का क्या हल हो सकता है इलेक्शन का?
रिजल्ट? देखिए क्या रिजल्ट होगा से तो पब्लिक ठीक करेगी, क्या रिजल्ट होगा पब्लिक ठीक करेगी, लेकिन मुझे लगता है कि 2019 की पुनरावृत्ति ही होगी। इस साल जो संदेशल की घटना आई है सीए, इस तरीके का सीए एक तो, सीए एक ऐतिहासिक कदम है प्रधानमंत्री जी का, जो 19 साल में ये पास हुआ था बिल, वो इम्प्लीमेंट हुआ, इस बिल का समर्थन में हम लोगों ने वोट दिया था और मुझे खुशी है कि वो कानून लागू हुआ। टीएमसी सांसद अर्जुन सिंह सीए का समर्थन करने के साथ ही एक बात और कह रहे हैं कि इस बार भी बैरकपुर लोकसभा सीट पर 2019 वाले नतीजे ही आएंगे। और ये बात तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 2019 में बीजेपी के टिकट पर अर्जुन सिंह ने ही इस सीट से जीत दर्ज की थी और अब लगता है कि एक बार फिर बीजेपी में घर वापसी के लिए माहौल बनाने में जुट गए हैं, इसीलिए ममता सरकार की खिलाफत कर रहे हैं। एक बयान में तो अर्जुन सिंह ने यहाँ तक कह दिया, बैरकपुर से मुझे टिकट न देकर तृणमूल नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया है कि मैं पार्टी में नहीं हूँ। मेरी पार्टी से कोई विशेष मांग नहीं थी, मैंने फिर से तृणमूल में शामिल होकर अनावश्यक रूप से 18 महीने बर्बाद कर दिए। इतना ही नहीं, कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि टीएमसी सांसद अर्जुन सिंह ने अपने दफ्तर में सीएम ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की तस्वीर हटाकर पीएम मोदी के हस्ताक्षर वाली तस्वीर लगा दी है। इस बारे में उन्होंने सफाई देते हुए कहा है कि ये तस्वीर खुद उन्हें पीएम मोदी ने ही दी थी। ये संकेत बता रहे हैं कि टीएमसी सांसद अर्जुन सिंह एक बार फिर से बीजेपी में लौटने के लिए छटपटा रहे हैं। तो वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि इस मामले में कोई भी फैसला दिल्ली में पार्टी आलाकमान लेगी। वैसे आपको बता दें, बैरकपुर से बीजेपी ने अभी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी एक बार फिर अर्जुन सिंह को पार्टी में शामिल कर सकती है, लेकिन उन्हें आलाकमान को यह भरोसा देना होगा कि वो दोबारा पलटी नहीं मारेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, बीजेपी के टिकट पर जीत कर सांसद बने अर्जुन सिंह ने 2022 में जिस तरह से मोदी को धोखा देकर ममता का साथ दिया, ऐसे में क्या उन्हें एक बार फिर बीजेपी में शामिल किया जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथियों, टीएमसी सरकार गरीब, किसान, नौजवान और महिला के सशक्तिकरण में बहुत बड़ी रुकावट है। ये चार वर्ग जब तक सशक्त नहीं होंगे तब तक पश्चिम बंगाल विकसित नहीं हो सकता। इसलिए आज केंद्र सरकार गरीब, किसान, नौजवान और महिला सशक्तिकरण पर सबसे ज्यादा जोर दे रही है। ये भाजपा की ही सरकार है जिसने नारी शक्ति वंदन अधिनियम करके लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण दिया। ये भाजपा की ही सरकार है जिसने नमो ड्रोन दीदी अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत हम गांव की बहनों बेटियों को आधुनिक ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। भाजपा की सरकार गांव गांव में महिला स्वयं सहायता समूहों को लाखों करोड़ की मदद दे रही है जिससे उनकी आमदनी और बढ़े। हमने देश में 3 करोड़ लखपति दीदी 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का भी संकल्प लिया है। साथियों, पश्चिम बंगाल